A very big hello to all my dearest parents. How are you all? I hope you all are fine and doing good with your studies. I, Sabia, I welcome you all to Ajay Sahu Online Classes. And I'm back with one more lecture of mine in this series of History of Chhattisgarh. In last session, we discussed about the proto-historic period in which no evidences were found from Chhattisgarh, and then we further dealt with the historic period, basically starting from the Vedic period and then the Ramayan period and Mahabharat period. And so in this class, we are going to deal further with the Maurya period and Satvahana period and then more. Okay, so before going ahead, let's have a look on these links. You can go through these links to stay connected and notified with us. And you can also visit our website www.hsahu.com and our Insta Mojo store to purchase our study material. So now let's get started with our class. Now we'll talk about the Mauryan period. Okay, so basically baat ye hai कि जब हमने महाभारत काल और ये सब एंड किया तो हम पढ़ते हैं महाजनपद काल के बारे में एंड देन महाजनपद काल के बारे में पढ़ने के बाद हम इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो मगध साम्राज्य ये पूरा स्टार्ट होता है जिसमें कि वी कैन सी हर्यक वंश, है ना, नंद वंश एंड ऑल दीज थिंग्स, नाग वंश, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं. तो क्या है कि ये सारे तीन वंश जिसका मैंने नाम लिया, उन सारे डायनेस्टीज़ में हमको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दोज डायनेस्टीज़. एंड देन ये हमारा आता है मौर्य पीरियड. मौर्य डायनेस्टी आता है, उसमें भी जो ऊपर के टू किंग्स रहे हैं, है ना, उनसे रिलेटेड हमको नहीं पढ़ना है. वी हैव टू डील विद अशोक. अशोक से फिर हमको यहाँ छत्तीसगढ़ से एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, सो हम बात करते हैं मौर्य पीरियड की. सो दक्षिण कौशल वॉज इंक्लूडेड इन मौर्यन एम्पायर. दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ वॉज इंक्लूडेड इन मौर्य एम्पायर. और वो जो पीरियड था अशोका से रिलेटेड, वो बेसिकली क्या था, 322 BC के अराउंड. ओके, सो प्रूफ्स एंड एविडेंसेस क्या है इससे रिलेटेड. द केव इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मौर्यन एज फाउंड इन जोगीमारा केव्स एंड सीता बेंगरा केव्स ऑफ सरगुजा. जो सरगुजा में स्थित जोगीमारा केव्स और सीता बेंगरा की गुफा है, इन सब से हमको क्या मिलता है, केव इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख मिलते हैं हमें, जिससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये जो एरिया था वो कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर से अफेक्टेड था. जोगी बारे में हमको क्या देखने को मिलता है कि सुतनुका और देवदत्त जो कि एक हम कह सकते हैं कपल हैं, उनकी प्रेम गाथा उत्कीर्ण की हुई है. मतलब कि जो कार्व्ड किया हुआ है उनके बारे में लिखा गया है पूरा. एंड द लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज पाली लैंग्वेज, और लिपि क्या है, ब्राह्मी. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, अशोक से रिलेटेड है. इसलिए हमको समझ में आता है कि ये जो एरिया है, यहाँ का इंस्क्रिप्शंस है, जो यहाँ रॉक इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं, ये सारे मौर्य पीरियड से रिलेटेड हैं. ओके, देन हम देखते हैं राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग कन्फर्म्स दैट दिस स्टेट वॉज अंडर मौर्यन रूलर्स. जो चाइनीज जो ट्रैवलर था वेन सांग, उसका जो यात्रा वृत्तांत था, या हम कह सकते हैं उसकी जो राइटिंग्स थी उसकी जर्नी के बारे में, उससे ये कन्फर्मिटी हमको मिल जाती है कि ये स्टेट मौर्यन रूलर्स के अंदर था. और अगर हम उसकी राइटिंग के बारे में या उसकी रचना के बारे में बात करें तो उसका नाम क्या था, सी यू की. ये उस पर्टिकुलर राइटिंग का नेम है जो कि चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग के द्वारा लिखा गया है इंडिया के बारे में, ठीक है, जहाँ जहाँ उन्होंने जर्नी की उससे रिलेटेड. सो इट कन्फर्म्स दैट दिस स्टेट वॉज अंडर मौर्यन रूलर्स. ये हमको ध्यान देना है. ओके, सो वॉट वी रेड, जोगीमारा केव, सीता बेंगरा केव्स एंड देन दिस राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग. फिर हम यहाँ पे टेबल फॉर्म में चीजें पढ़ेंगे. फिर हम देखते हैं कॉइन्स ऑफ मौर्यन पीरियड. कॉइन्स जो है मौर्य पीरियड से रिलेटेड सिक्के, ठीक है, मुद्रा कहाँ से मिला है हमको, अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर एंड बारगांव. ये हमको नेम्स बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए. सिक्के या मुद्रा हमको कहाँ से मिली है, अकलतरा जांजगीर चांपा, ठठारी जांजगीर चांपा, बिलासपुर एंड देन बारगांव रायगढ़. ओके,
दो जांजगीर चांपा में है, एक बिलासपुर इटसेल्फ है, एंड देन बारगांव जो कि कहाँ है, रायगढ़ में. ओके देन हम देखते हैं पंचमार्ग्ड कॉइन्स. पंचमार्ग्ड कॉइन्स या हम कह सकते हैं संपीड़ित मुद्रा. सो दे दीस पंचमार्ग्ड कॉइन्स वे फाउंड इन तारापुर रायपुर, आरंग रायपुर एंड उडेला रायपुर. तो ये बेसिकली रायपुर से मिली हैं. थ्री प्लेसेस के नेम्स याद रखने हैं, तारापुर, आरंग एंड उडेला. तारापुर, आरंग एंड उडेला. ओके देन सिल्वर कॉइन्स की बात करते हैं, चांदी के सिक्के. तो चांदी के सिक्के कहाँ मिले हैं, सारनगढ़, रायगढ़, देन अगेन अकलतरा एंड देन अगेन तारापुर. ठीक है, कहाँ कहाँ मिले हैं सिल्वर कॉइन्स, सारनगढ़, अकलतरा एंड तारापुर. ओके देन हम देखते हैं लाठ ऑफ अशोक. अशोक का लाठ, अशोक का लाठ मिला है कपाटपुरम सरगुजा से. ये याद रखने वाली बात है कि अशोक का लाठ कहाँ से मिला है, कपाटपुरम सरगुजा. तो व्हाट वी रेड दैट कॉइन्स ऑफ मौर्यन पीरियड और वी कैन कॉल मुद्रा ऑफ मौर्यन पीरियड वेर फाउंड इन अकलतरा एंड थठारी ऑफ जांजगीर चांपा, देन बिलासपुर, देन बारगांव ऑफ रायगढ़. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द पंचमार्ग्ड कॉइन्स और संपीड़ित मुद्रा, देन दीज वेर फाउंड इन तारापुर रायपुर, आरंग रायपुर एंड देन अगेन उड़ेला रायपुर. When we talk about the silver coins, these were found in Sarangar, Raigar, Akaltara and then again Tarapur. Lat of Ashok. Ashok ka lat kahan se found hua? Kapatpuram, Sarguja. Then hum dekhte hain Ashoka's inscriptions. Ashok ke jo abhilekh the, such as Kalinga inscription gives evidence about the state being the part of Mauryan Empire. जो कलिंग अभिलेख है उससे ये एविडेंस मिलता है अबाउट अवर स्टेट बींग द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर. ओके द एक्सकवेटेड मौर्यन कॉइन्स, burnt bricks and northern polished blackware are testimony of a confirmed Mauryan rule over Chhattisgarh. जो भी Mauryan coins जो हैं, जो उत्खनन के दौरान मिली हैं, excavate की गई हैं Mauryan coins और जो पकी जो bricks हैं ईंटे, burnt bricks या पकी ईंटे और northern polished blackware जो मिली हुई हैं, ये सारे ऐसे testimony हैं, proofs हैं of a confirmed Mauryan rule ओवर छत्तीसगढ़. सम रिमेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. ये तीनों नेम्स भी थोड़ा याद रखना है. सिरपुर, मल्हार और बस्तर में भी कुछ मौर्यन पीरियड के रिमेन्स फाउंड किए गए हैं. दे फॉलोड बुद्धिज्म, ठीक है, दे फॉलोड बुद्धिज्म. तुरतुरिया जो है इट इज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो ये बिलीव किया जाता है कि उस समय भी इट वुड बी अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड इट वुड बी रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर बिकॉज दे फॉलोड बुद्धिज्म. इट इज बिलीव दैट अशोक कंस्ट्रक्टेड बौद्ध विहार इन सिरपुर टू. ये तुरतुरिया के अलावा सिरपुर भी बुद्धिज्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा होगा, ये बिलीव किया जाता है. एंड ये बिलीव किया जाता है कि अशोक ने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया, बौद्ध विहार इन सिरपुर टू. ओके थोड़ा हम देख लेते हैं कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार या फिर हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है वो कलिंग देश, मतलब उस वक्त जो उड़ीसा का ही, मतलब कलिंग देश का ही भाग था और अशोक के कलिंग विजय के पश्चात छत्तीसगढ़ जो है वो मौर्य साम्राज्य का भाग बना, ये माना जाता है. ठीक है, इसको जब हम मैप में देखेंगे तो एविडेंसेस रिलेटेड टू मौर्य पीरियड कुछ ऐसा होगा कि जब हम सरगुजा में देखेंगे तो लाठ ऑफ अशोक कहाँ से मिला है, कपाटपुरम से. फिर जोगीमारा और सीता बेंगरा यहाँ से क्या मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो ये भी सरगुजा में है. तो सरगुजा के थ्री साइट्स हो गए, कपाटपुरम जहाँ से लाठ ऑफ अशोक मिला, एंड देन जोगीमारा एंड सीता बेंगरा जहाँ से हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अबाउट सुतनुका एंड देवदत्त विच वेयर इन द लैंग्वेज पाली एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी विच आर रिलेटेड टू अशोक. फिर हम देखते हैं अगर कॉइन्स के बारे में, तो हमने पढ़ा बिलासपुर, देन अकलतरा एंड ठठारी इन जांजगीर चांपा एंड देन बारगांव इन रायगढ़. तो ये जो चारों एरियाज हैं वहां से हमें मिली है मुद्रा मौर्य पीरियड से रिलेटेड. और
पंचमार्ग कॉइन्स या संपीड़ित मुद्रा हमको मिली तारापुर, आरंग एंड उरेला, ऑल दीज आर इन रायपुर। तो ये तीनों हमको कहाँ से मिले? रायपुर से, तारापुर, आरंग एंड उरेला से हमको मिले पंचमार्ग कॉइन्स। फिर जब हम सिल्वर कॉइन्स की बात करते हैं तो सिल्वर कॉइन्स भी हमको कहाँ से मिले थे? अकलतरा, तारापुर एंड सारनगढ़। ओके, तो अकलतरा, सारनगढ़ एंड तारापुर, अकलतरा, तारापुर और फिर यहाँ पे रायगढ़ में एक जगह सारनगढ़, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिले हैं सिल्वर कॉइन्स। तो ये चीजें हमको याद रखनी है मौर्य पीरियड से रिलेटेड। देन आफ्टर वी सी मौर्य पीरियड, देन वी विल मूव टू सातवाहन पीरियड। और सातवाहन पीरियड का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो है 200 बीसी से 60 बीसी। ओके, सो रूल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी प्रिवेल्ड इन महाराष्ट्र रीजन। जो उनका रूल था वो महाराष्ट्र रीजन में प्रिवेलेंट था। और उनका कैपिटल क्या था? प्रतिष्ठान, विच इज मॉडर्न डे पैठान नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो कि मॉडर्न डे में पैठान कहलाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के नियर पड़ता है, ठीक है। सो उस वक्त उनका कैपिटल था प्रतिष्ठान। देर हैव बीन सम एविडेंसेस फाउंड रिलेटेड टू सातवाहनास फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू, विच आर मेंशनड एज फॉलोज। छत्तीसगढ़ से भी हमको कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो कॉइन्स ऑफ किंग अपीलक, अपीलक के कॉइन्स, हु इज बिलीव टू बी ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, हमको अपीलक के सिक्के मिले हैं बालपुर और मल्हार से। बालपुर है जांजगीर चांपा में और मल्हार है बिलासपुर में। तो यहाँ से हमको क्या मिला है? अपीलक का सिक्का। और अपीलक किस समय का राजा माना जाता है? सातवाहना डायनेस्टी का। तो हमको ये समझ में आया कि जो बालपुर है और मल्हार है वो अफेक्टेड एरियाज हैं सातवाहना पीरियड से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो रोमन पीरियड गोल्ड कॉइन्स हमको कहाँ से मिले? रोमन पीरियड के स्वर्ण मुद्राएं हमको मिली चकरबेड़ा, बिलासपुर। दिस आर आल्सो रिलेटेड टू दिस डायनेस्टी। सो रोमन पीरियड गोल्ड कॉइन्स वेयर फाउंड इन चकरबेड़ा, बिलासपुर। फिर हम कॉपर रेक्टेंगुलर कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉपर आयताकार कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये पिक्चर्स कंटेन करती थी एलिफेंट, विमेन एंड स्नेक्स की। इसके बारे में यही याद रखना है कि जो हमको सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड, सातवाहन काल से रिलेटेड कॉपर रेक्टेंगुलर कॉइन्स मिले हैं, जिसमें कि एक तरफ एलिफेंट स्नेक्स के पिक्चर और एक तरफ विमेन के पिक्चर बने हुए होते थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्ले सील्स या क्ले स्टैम्प्स। क्ले सील्स या क्ले स्टैम्प्स या हम मिट्टी की मोहर कह सकते हैं। तो जब एक्सकवेशन हुई मल्हार में तो हमको यहाँ से मिले मिट्टी के मोहर, विच मेंशंस अबाउट किंग वेदश्री। और किंग वेदश्री जो है वो माने जाते हैं कि सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमको इससे ये समझ में आता है कि मल्हार से भी हमको कुछ चीजें मिली हुई हैं, कुछ चीजें एक्सकवेट की गई हैं सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड। क्या एक्सकवेट की गई है? मिट्टी की मुहर। सो कॉइन्स ऑफ किंग अपीलक, अपीलक की मुद्रा हमको कहाँ से मिली? मल्हार बिलासपुर एंड बालपुर जांजगीर चांपा। रोमन पीरियड के गोल्ड कॉइन्स कहाँ से मिले? चकरबेड़ा बिलासपुर। रोमन पीरियड के गोल्ड कॉइन्स हमको मिले चकरबेड़ा बिलासपुर। ये हमको अलग से याद रखना है कि रोमन पीरियड के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं चकरबेड़ा बिलासपुर से। फिर कॉपर रेक्टेंगुलर कॉइन्स, सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड कॉपर रेक्टेंगुलर कॉइन्स मिले हैं, जिसकी एक तरफ एलिफेंट स्नेक्स के पिक्चर और एक तरफ विमेन के पिक्चर थे, ठीक है। और क्ले सील्स या क्ले स्टैम्प्स मिले हैं मिट्टी के मोहर कहाँ से? मल्हार से, जो कि जिसमें राजा वेदश्री के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड है। हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें या अभिलेखों की बात करें तो वो हमको मिले हैं गुंजी जांजगीर चांपा से, विच मेंशंस अबाउट किंग वरदश्री। अपीलक का सिक्का मिला है, वेदश्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, एंड देन हियर वरदश्री कहाँ? गुंजी जांजगीर चांपा। देन वुडन पिलर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट स्तंभ या क्या कह सकते हैं वुडन पिलर, ये कहाँ से मिला है? किरारी जांजगीर चांपा।
किरारी जांजगीर चांपा से हमको क्या मिला, वुडन पिलर या कास्ट स्तंभ विच इज नाउ प्रिजर्व्ड इन महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर। अभी उसको कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है, महंत घासीदास म्यूजियम संग्रहालय रायपुर में। फिर हमको इमेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, कुछ लेख युक्त प्रतिमाएं, इमेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट कहाँ से मिले हैं, बूढ़ी खार बिलासपुर, जो कि जो भी सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, बूढ़ी खार बिलासपुर। इंस्क्रिप्शंस गुंजी जांजगीर चांपा विच मेंशंस अबाउट द किंग वरदश्री, वुडन पिलर मिले हैं किरारी जांजगीर चांपा विच इज नाउ प्रिजर्व्ड इन महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर, एंड देन इमेजेस कंटेनिंग टेस्ट मिले हैं बूढ़ी खार बिलासपुर से। इन दिस पीरियड इटसेल्फ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्ग नागार्जुना विजिटेड छत्तीसगढ़। इसी पर्टिकुलर पीरियड में, सातवाहना पीरियड में, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग है या बौद्ध भिक्षुक नागार्जुना जो है, उन्होंने छत्तीसगढ़ विजिट किया, ठीक है। जो वेन सांग की जो जर्नी के बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हुई हैं, जो चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग है, उनके यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट, दक्षिण कौशल की कैपिटल के निकट या उसके पास, सातवाहन राजा ने एक पर्वत पर एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुना के लिए एक पंच मंजिला संघाराम बनवाया था, ठीक है। नागार्जुना के लिए सातवाहन डायनेस्टी की राजा ने पर्वत पर सुरंग खुदवाकर एक पंच मंजिला संघाराम बनवाया था, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो फेमस बुद्धिस्ट मॉन्ग नागार्जुना ने विजिट किया था छत्तीसगढ़ इसी समय पे, ये याद रखना है। फिर ये याद रखना है कि इस समय उड़ीसा में खारवेल जो सातवाहन के समकालीन था, ठीक है। सो इसी समय उड़ीसा में खारवेल का शासन था और यह सातवाहन के समकालीन थे, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ का जो ईस्टर्न पार्ट है वो खारवेल के अंतर्गत था, इससे हमको ये समझ में आता है, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जब हम इसको मैप में देखते हैं तो एविडेंसेस कैसे हैं। हमको दो प्लेसेस याद रखना है, एक बिलासपुर, ठीक है, और एक जांजगीर चांपा, ये दोनों हमको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। बिलासपुर में कौन कौन सा एरिया, ए और ए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ए और ये ए दिख रहा है, ये है मल्हार बिलासपुर और ये है बालपुर जांजगीर चांपा। यहाँ से क्या मिला है, कॉइन्स ऑफ किंग अपीलक, ठीक है, इसलिए ए लिखा हुआ है मैंने, कॉइन्स ऑफ किंग अपीलक मिला है मल्हार बिलासपुर एंड बालपुर जांजगीर चांपा। देन जो ये सर्कुलर साइन है वहाँ रोमन पीरियड गोल्ड कॉइन्स मिले हैं चकरबेड़ा बिलासपुर में, रोमन पीरियड गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। देन ये जो स्टार मार्क बना हुआ है वहां पे मिट्टी की मुहर जो कि वेद श्री राजा से रिलेटेड है कहाँ से मिली है, मल्हार से, ठीक है, मल्हार बिलासपुर से ही हमको मिट्टी की मुहर मिली है जो कि राजा वेद श्री से रिलेटेड है। उसके बाद जो यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट का मैंने साइन बनाया हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे बनाया है ना, ये टेक्स्ट का साइन बना है ये। तो इमेज कंटेनिंग टेक्स्ट, लेख युक्त प्रतिमा कहाँ से मिली है, बूढ़ी खार बिलासपुर, ठीक है। फिर वुडन पिलर, ये वुडन पिलर कहाँ से मिला है, किरारी जांजगीर चांपा। कास्ट स्तंभ कहाँ से मिला है, किरारी जांजगीर चांपा। एंड देन लास्टली गुंजी जांजगीर चांपा से हमको इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख मिले हैं जो कि राजा वरदत्त श्री से रिलेटेड है, हु इज डीम्ड टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम सातवाहना डायनेस्टी, ओके। सो ये मैप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हमारा, एक बार हम देख लेंगे बिलासपुर में ये सारी एरियाज है और ये है जांजगीर चांपा में, तो हमारा ये सातवाहना पीरियड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो दीज वेर टू इम्पॉर्टेंट पीरियड्स, मौर्य डायनेस्टी और सातवाहना डायनेस्टी, जिससे कि हमको छत्तीसगढ़ से जो एविडेंसेस मिले हैं हमने देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए, ठीक है। देन हम देखते हैं कुषाण वंश, ठीक है, इससे थोड़ा सा हमको ये याद रखना है कि कनिष्क के सिक्के, कनिष्क जो कि कुषाण वंश के बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, ठीक है। तो कॉइन्स ऑफ कनिष्क आर फाउंड इन खरसिया तेलीकोटा और ये किसके द्वारा फाउंड किए गए, डीके शाह के द्वारा, ठीक है। खरसिया तेलीकोटा में
कुषाण वंश से कनिष्क के सिक्के मिले हैं और इसी समय के तांबे के सिक्के या कॉपर के कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, बिलासपुर से। तो खरसिया तेलीकोटा ये आपको तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले, खरसिया तेलीकोटा से, ठीक है। फिर मेघ डायनेस्टी एक था जिन्होंने गुप्त डायनेस्टी से पहले रूल किया, ठीक है, लगभग 400 AD के आसपास, ठीक है, तो 200 AD से इनका रूल है मेघ डायनेस्टी का। तो सो दे रूल बिफोर गुप्तास एंड कॉइन्स इनके कहाँ से मिले, मल्हार से। हमको इतना याद रखना है कि मेघ वंश से रिलेटेड कॉइन्स कहाँ से मिले, मल्हार से। एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग शिव मेघ एंड य मेघ फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मेघ डायनेस्टी के संदर्भ में हमको किंग शिव मेघ एंड य मेघ के बारे में जानकारी मिलती है। उनके कॉइन्स कहाँ से फाउंड किए गए हैं, मल्हार से, ठीक है। So this was all about today's session. We'll end the session. That's all. और हमने आज बहुत important topics deal किए हैं। आप लोग revise करके बिल्कुल memorize करने की कोशिश करिएगा। In our next class, we'll deal with गुप्त empire, ठीक है। बहुत important उसमें areas हैं, बहुत important points हैं, हमको सब कुछ ध्यान में रखना होगा। तो बहुत important lecture होने वाला है next वाला, जिसमें हम लोग गुप्त dynasty, गुप्त period से related बातें करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे। So this is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning and thank you for watching.